भाई मेरे श्याम लग्यो संग। चौथा दोष है उपद्रव ग्रस्त जीवन। उपद्रव है नहीं कोई, हमने जानबूझ के कुछ उपद्रव पीछे लगा रखे हैं। अब इस समय वर्तमान के उपद्रवों में तो सबसे भारी उपद्रव मोबाइल है। सबसे भारी उपद्रव मोबाइल है। इस उपद्रव से छुट्टी मिल जाएगी तो आपको भजन की फुर्सत मिल जाएगी। इसी ऋषिकेश में एक महात्मा हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं, हम भी उनके पास जाते रहते हैं। मुश्किल से शाम को रात्रि में 1-1.5 घंटे के लिए अपना मोबाइल खोलते हैं। वो भी केवल इसलिए खोलते हैं कि कभी कोई शास्त्र की बात हमसे करनी है या किसी महापुरुष से करनी है तो उतने समय में कोई इधर उधर की बात तो है ही नहीं, कोई ग्रंथ की बात, कोई सिद्धांत की बात, कोई भगवत विषयक चर्चा करने के लिए ही थोड़ी देर के लिए खोलते हैं, बाकी बंद। एक महात्मा को हमने देखा, पैसा छूते नहीं, कमंडल के स्थान पर तो एक दो प्लास्टिक का डिब्बा लिए हुए हैं। हमने कहा महाराज हम एक कमंडल दे दें आपको, पीतल का या तांबे उसका स्टील का। बोले नहीं नहीं महाराज हमको जरूरत नहीं है, पानी के लिए चाहिए, ये निर्वाह हो गया इसका, पानी का निर्वाह इससे हो जाता है। तो बोले तुमा भी रखो तो कोई ना कोई मांग लेता है, इसको प्रयोग करके चाय जहाँ पटक देते हैं कोई उठाता ही नहीं, काम चलना चाहिए। टाट लपेटे हुए टेढ़ी बेढ़ी सी लकड़ी, वृंदावन की बात है महाराज जी। अब वो बात कर रहे थे तो उनके टाट में से मोबाइल गिरा नीचे। तो हमने कहा महाराज पैसा छूते नहीं हो, डिब्बा भी ठीक से रखे नहीं हो आप, ये मोबाइल क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा कम से कम आप तो ऐसा मत पूछिए। क्यों घर बैठो? तो मोबाइल वो नंबर वाला मोबाइल नहीं था, उसमें कथाएं भरी हुई थी। वो चिप लग जाती ना, और चिप से बोले एक भगत ने हमको दे दिया, बोले महाराज इसमें कथा सुना करो। उसमें महाराज भाई जी की कैसेट, उसमें सेठ जी का प्रवचन, उसमें हमारा भी प्रवचन था, बक्सर वाले मामा जी का भी प्रवचन था, कई लोगों के ऐसे उसने महात्मा जी ने दबा दबा के सुनाए। बोले देखो ये सब है, ये सुनने के लिए रखा है, बाकी हमारे पास कोई नंबर वंबर है, मेरे को क्या जरूरत है नंबर वंबर की, ये भी किसी ने दे दिया तो वो सुनने के लिए रखा है। मैं प्रणाम किया, मैंने महाराज हमारी भूल हुई जो हमने मोबाइल देखकर आपसे ऐसा प्रश्न किया, वस्तुतः ये उत्तम उपयोग। माई मेरे श्याम लग्यो